आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इसरो को चंद्रयान के मामले में मिली बड़ी कामयाबी, ऑर्बिटर ने भेजी लैंडर विक्रम की इमेज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जनता के समर्थन से कर रहे हैं बड़े फैसले, अब हर चुनौती को चुनौती देता है भारत। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 3 तलाक से चंद्रयान तक, बहुत कुछ किया सरकार ने। एमपी के मंत्री गोविंद सिंह का बयान, 15 साल बीजेपी ने गजनवी की तरह एमपी को लूटा। और वकील राम जेठमलानी का निधन, देश के सबसे चर्चित वकील थे जेठमलानी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। इसरो को चंद्रयान मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, विक्रम का पता चल गया है और ऑर्बिटर ने इसकी इमेज भेजी है। हालांकि अभी तक विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन वह किस लोकेशन पर है उसकी पक्की जगह का पता चल गया है। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था। ऑर्बिटर ने ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरे से विक्रम लैंडर की तस्वीरें इसरो को भेजी हैं। इसरो चीफ के सिवान ने ट्वीट किया है कि चंद्रमा की सतह पर हमें विक्रम लैंडर का पता चल गया है और ऑर्बिटर ने इसकी थर्मल इमेज भेजी है। हालांकि लैंडर से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है और हम उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जल्द ही संपर्क स्थापित होगा। इसरो ने पहले ही कह दिया था कि वह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और लैंडर से संपर्क साधने की लगातार कोशिश हो रही है। इस काम में अगले 14 दिन बहुत अहम हैं और इस बीच हम लैंडर से संपर्क फिर से हासिल कर सकते हैं। अभी तक 90 से 95% उद्देश्यों को पूरा किया जा चुका है और यह चांद से जुड़ी जानकारी हासिल करने में मदद करेगा, जिसे असफलता माना जा रहा था वह तभी तक थी जब तक विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं होता या उसका पता नहीं चलता। मगर लैंडर की थर्मल इमेज मिलने के बाद वैज्ञानिकों की उम्मीद एक बार फिर से जाग गई है। इस बीच ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज भेजी है। इसरो डाटा के विश्लेषण के जरिए इस गड़बड़ी की वजह तलाशने और विक्रम से संपर्क करने के लिए लगातार वैज्ञानिकों की टीम को काम पर लगा रखा था। ऑर्बिटर अपना काम बखूबी कर रहा है और यह इसरो को इमेज व डाटा भेज रहा है। अच्छी बात यह है कि पूर्व निर्धारित 1 साल के अभियान की बजाय अब यह 7 साल तक काम करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि के साथ ही अंतरिक्ष अभियान के मामले में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। पीएम मोदी ने अपनी रोहतक रैली में कहा कि वह रोहतक में ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। जनता से मिले समर्थन से ही सरकार बड़े फैसले ले पाई है। बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। 100 दिनों में संसद सत्र में जितने बिल पास हुए हैं उतना आज तक पिछले 60 साल में नहीं हुए थे। बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा कि भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है, फिर चाहे जम्मू कश्मीर व लद्दाख का मामला हो या गहराता जल संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 सितंबर को रात 1:50 पर पूरा देश टीवी पर नजरें गड़ाकर बैठा था। चंद्रयान 2 की खुशखबरी के लिए देश दुनिया देख रही थी। बाद के 100 सेकंड में मैंने एक और साक्षात्कार किया। एक घटना ने पूरे देश को 100 सेकंड में जगा दिया, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। अब हिंदुस्तान में इसरो स्प्रिट है। देश नकारात्मकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश पुरुषार्थ की पूजा करता है। देशवासियों का बदला मिजाज बहुत बड़ी पूंजी है। 100 सेकंड में हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि जिस देश में संकल्पों के साथ जीने की ताकत होती है वह इसरो स्प्रिट होता है। हम भाग्यवान हैं कि देश में ऐसी ऊर्जा है। 7 सितंबर रात में सुबह 1:50 पूरा देश टीवी के सामने नजरें गाड़ के बैठा था। देश और दुनिया चंद्रयान की गति को खुशखबरी के लिए एक नजर से वहां देख रहे।
अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। एक घटना ने, पूरे देश को 100 सेकंड के अंदर जगा दिया। एक घटना ने 100 सेकंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। एक ऐसा स्पिरिट, और मैं कहूंगा जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, मैं कहूंगा अब हिंदुस्तान में इसरो स्पिरिट है, इसरो स्पिरिट है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 10 सीटें जिताने के लिए हरियाणा के लोगों का आभार जताया। कहा कि राजनीति के आज के युग में 55-60% वोट पाना अपने आप में जन विश्वास व जन जागृति का दुर्लभ उदाहरण है। इसके लिए वे हरियाणा के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। पीएम ने कहा कि उन्हें तीसरी बार रोहतक में आने का मौका मिला है। कहा कि वह एक बार फिर समर्थन मांगने के लिए आए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक से लेकर चंद्रयान तक के मुद्दे के बारे में कहा कि इन सभी को इसलिए लागू किया जा सका क्योंकि इनकी तैयारी चुनाव के पहले से ही चल रही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने सभी तबकों के लिए 100 दिनों में काफी अहम निर्णय लिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अनुच्छेद 370 को खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं के हित में 3 तलाक को खत्म किया, किसानों के हित में भी बेहतर निर्णय लिए गए। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की साख बढ़ रही है और दुनिया ने हमारे काम की सराहना की है, जिसे दुनिया भर में मोदी 2.0 कहते हैं। उस कार्यकाल के 100 दिन के समय पूरा हुआ और आज तक किसी भी सरकार में, सरकार बनते ही 100 दिन में इतने महत्वपूर्ण और इतने सभी निर्णय शायद ही कभी हुए होंगे। आपको पता है जम्मू कश्मीर का 370 35 से 2 यूनियन टेरिटरीज, और कल जो इसरो का चंद्रयान के मुहिम में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सहृदयता का परिचय दिया, वैज्ञानिकों का धाड़स बांधा, वहां उपस्थित रहे और जिस तरह से उनके कंधे में इसरो के प्रमुख रोए और उनको जो धाड़स बांधा कि ठीक है हम और जीतेंगे, ये जो किया ये मोदी सरकार का एक संवेदनशील चेहरा भी है। जावड़ेकर ने कहा कि जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, इसीलिए हम कड़े फैसले ले सकेंगे। जावड़ेकर ने कहा कि चंद्रयान 2 के मौके पर इसरो के चीफ भावुक हो गए थे और मोदी जी के कंधे पर सिर रख कर रोने लगे थे। जिस तरह से मोदी जी ने उन्हें ढांढस बंधाया और आत्मीयता का परिचय दिया है, वह सरकार की सहृदयता का दर्शाता है। वरिष्ठ वकील रहे राम जेठमलानी का 96 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। जेठमलानी का अंतिम संस्कार लोधी रोड शमशान घाट पर किया गया। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। जेठमलानी बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। देश के नामी क्रिमिनल वकीलों में शुमार रहे जेठमलानी भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के निधन पर तमाम लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक अनुभवी वकील राम जेठमलानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे वाक्पटुता के साथ सार्वजनिक मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे। राष्ट्र ने एक प्रतिष्ठित न्यायविद को खो दिया है। पीएम मोदी ने राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक असाधारण वकील और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को खो दिया है जिन्होंने अदालतों और संसद में समृद्ध योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अनुभवी वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी।
गृह मंत्री अमित शाह ने राम जेठमलानी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 को सिंध प्रांत में हुआ था। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही वकालत करना शुरू कर दिया था। राम जेठमलानी ने एक बार बताया था कि उन्हें स्कूल में डबल प्रमोशन मिला था। इसके साथ ही 13 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया था। महज 17 साल की उम्र में उन्हें एलएलबी की डिग्री मिल गई थी। उनके परिवार में एक बेटा महेश जेठमलानी है जो प्रख्यात वकील है, वहीं एक बेटी अमेरिका में रह रही है। राम जेठमलानी ने कई हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं, जिसमें सबसे अहम केस 1959 का के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था। उनके अन्य हाई प्रोफाइल मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे का साल 2011 में मद्रास हाईकोर्ट में लड़ा गया मामला भी था। वे मुंबई में भाजपा के टिकट पर 6वीं और 7वीं लोकसभा में संसद के सदस्य चुने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वे केंद्रीय कानून मंत्री और शहरी विकास मंत्री भी रहे। बाद में साल 2004 में वे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ से आम चुनाव में खड़े हुए थे। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद सारंगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी की वजह से आर्थिक मंदी दिख रही है, लेकिन यह आर्थिक मंदी ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने माना कि देश में मंदी का दौर चल रहा है, जीएसटी और नोटबंदी आर्थिक मंदी के लिए दोषी है। मंत्री सारंगी ने उम्मीद जताई कि इन सब के बावजूद अंधकार के बाद सूरज निकलेगा। मंत्री सारंगी सीहोर स्थित खादी ग्राम उद्योग के उपक्रम पुनी संयंत्र के निरीक्षण के लिए आए थे। पहले वो रात्रि अधिक घन होता है, वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट नाइट बिफोर डन, और मैं समझता हूँ कि सूर्योदय देर नहीं है। और जीएसटी विमुद्रीकरण और इतनी सारे प्रक्रिया चला, इसके बावजूद हमारे अर्थनीति वो थोड़ा सा मंदी में चल रहा है, लेकिन वो शीघ्र ही इसका परिवर्तन होगा और आप देखेंगे। इतना सारा प्रस्तुति हो चुका है, ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है और इसका परिवर्तन जरूर। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने पूर्व भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान को महमूद गजनबी बताते हुए कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश को लूट लिया। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि पिछले 15 सालों में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां लूट नहीं की गई हो। आज प्रदेश कर्ज की गर्त में है, पूरा प्रदेश खोखला हो गया है। इसी समस्या से सीएम कमलनाथ को जूझना पड़ रहा है। मंत्री गोविंद सिंह ने ग्वालियर में कहा कि महमूद गजनबी ने जब हिंदुस्तान में लूटपाट मचाई थी, तब वह रहम करके कुछ छोड़ गया था। भाजपा तो गजनबी की ग्रैंडफादर निकली। भाजपा द्वारा लगाए गए ट्रांसफर उद्योग के आरोप पर उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को इस बात की चुनौती दी थी कि वे मेरे बारे में इसे साबित करके बताएं। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ऐसा किया है तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति छोड़कर घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को गजनबी की तरह 15 साल तक लूटा है। पिछले 15 वर्षों में जो हमारा अनुभव मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश की इस प्रकार लूट की गई है जिस प्रकार मोहम्मद गजनबी ने की थी। ऐसा कोई डिपार्टमेंट कोई विभाग नहीं बचा। आज प्रदेश कर्ज के गर्त में है, पूरा प्रदेश खोखला है। एक एक समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को परेशानी खड़ी हो रही है। और मैंने तो यह भी हमारा अनुभव है कि मोहम्मद गजनबी जब हिंदुस्तान को लूटने आया था, सोमनाथ मंदिर भी लूटा था, तो उसने कुछ रहम करके छोड़ गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कुछ नहीं छोड़ा, ये सब भारतीय जनता पार्टी गजनबी के भी ग्रैंड फादर निकले। अंतागढ़ टेप कांड में अपने धमाकेदार खुलासे से छत्तीसगढ़ की सियासत को हिला देने वाले भाजपा नेता मंतूराम पवार ने एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। धारा 164 में बयान दर्ज कराते हुए पवार ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नाम वापस लेने के लिए 7.5 करोड़ की डील हुई थी। पवार ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूरत और पूर्व विधायक अमित जोगी का नाम लिया है।
छत्तीसगढ़ के चर्चित अंतागढ़ टेप कांड को लेकर मातूराम पवार ने मजिस्ट्रेट नीरज श्रीवास्तव के सामने अपना बयान दर्ज कराया। मातूराम ने कहा कि अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नाम वापस लेने के लिए 7.5 करोड़ की डील हुई। मातूराम ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूनत और अमित जोगी का नाम लिया। पवार ने कोर्ट को बताया कि इन नेताओं से फोन पर फिरोज सिद्दीकी और अमीन मेनन ने बात करवाई। अनंतगढ़ उपचुनाव मैदान से हटने को लेकर उन पर बेहद दबाव था। अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने हटने का फैसला किया। उपचुनाव के लिए 7.5 करोड़ की जो डील हुई उसमें से एक भी पैसा उनको नहीं मिला। मंतूराम ने कहा कि फिरोज सिद्दीकी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से फोन पर कथित रूप से बात कराई, तब रमन अपनी पत्नी के इलाज के लिए देश के बाहर थे। मैंने इसका बहुत दिनों से बात जरूर की, मैं भी जानना चाहता था कि इसमें खरीदी बिक्री हुआ है। जब अभी अपन भी उस निष्कर्ष तक करने की पहुँचे, धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि हमको 4 करोड़ रुपया मिला, किसी ने कहा कि 3.5 करोड़ रुपया मिला। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मंतूराम पवार के प्रकरण में अंतागढ़ उपचुनाव में कहीं ना कहीं खरीदी बिक्री हुआ है। बाकी इसके जानकारी हमको मंतूराम पवार को नहीं है। यदि मेरे को विश्वास में लेते हुए डील करते हैं तो मैं लेट नहीं करता, मैं विश्वास दिलवाता हूँ पूरे प्रदेश के जनता को। यदि पैसा का डील होता, मेरे हाथ में आता, तो मैं ज़रूर इस पैसा के बारे में कहता और जो भी पैसा लिया और दिया तत्काल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करने के। मंतूराम ने कोर्ट में बताया कि फिरोज सिद्दीकी ने उनसे कहा कि अजीत जोगी, अमित जोगी और डॉक्टर रमन सिंह चाहते हैं कि वे चुनाव मैदान छोड़ दें। यदि चुनाव मैदान से नहीं हटेंगे तो भूपेश बघेल का कद बढ़ेगा। मातूराम ने कोर्ट में बताया कि फिरोज और अमीन ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बंगले ले जाकर 7 करोड़ लेने का प्रलोभन दिया। मुझे पैसे का लालच नहीं है, सिर्फ जान की सुरक्षा के कारण दबाव में था। गौरतलब है कि 2013 में अनंतागढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के विक्रम उसेंडी ने कांकेर सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मातूराम पवार को प्रत्याशी बनाया। एन वक्त पर मातूराम ने नाम वापस ले लिया। इस घटना के करीब एक वर्ष बाद 2015 में ये ऑडियो टेप वायरल हुआ, जिसके आधार पर मातूराम पर पैसे लेकर नाम वापस लेने का आरोप लगा। इसकी जांच भी हुई लेकिन वह किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में भारी बारिश से पंचशील नगर, नया बसेरा बस्ती सहित कई इलाकों में पानी भर गया। रविवार सुबह हुई तेज बारिश के कारण जगह जगह जलभराव के मंजर देखने को मिले। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा नगर निगम अधिकारियों के साथ इलाके में पहुंचे। उन्होंने रहवासियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। भोपाल में हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन अकादमी, नया बसेरा, पंचशील नगर और कोलार के
तामखेड़ा बी सेक्टर में झुग्गियों में पानी भर गया है। सूचना मिलने पर निगम अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बारिश के कारण भदभदा के 3 और कलियासोत के 5 गेट खोले गए हैं। कोलांस नदी में 5 फीट पानी चल रहा है। नदी का लेवल और बढ़ने की आशंका है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। जल भराव के कारणों को अभी तत्काल दुरुस्त करने को मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है। इससे पहले पंचशील और साउथ श्रीनगर बहुत जगह चांदबर कई जगह पानी भरा है। ये राजीव नगर में जो नाला है उस पर आस पास झुग्गियाँ बनी है। बरसात के पहले जून में भी हम लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद मुनू सक्सेना हर भ्रमण किया, कुछ जालियाँ वगैरह लगाई थी। इन सब का एक चीज़ तो हुआ कि कोई जान माल का खर्चा यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से पानी लोगों के घर में घुस रहा है ये बीमारी का घर भी है आगे चल के, और पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। तो हमने आज कलेक्टर साहब से और नगर निगम के अधिकारियों कमिश्नर वगैरह से कहा है कि जो नाले के आसपास दिया है इनको कोई अच्छी जगह व्यवस्थापन करके पक्के मकान दें। कि निश्चित रूप से कई विगत सालों से यहाँ पर इस राजीव नगर नाले की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। यहाँ पर जान माल को खतरा होता है, लेकिन किसी ने सरकार ने सुध नहीं ली। आज निश्चित रूप से जब सरकार के बदलाव के साथ आज माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय पीसी शर्मा जी वो लगातार यहाँ 2-3 बार भ्रमण कर चुके हैं, उन्हें पूर्व में भी दिशा निर्देश दिए हैं, यहाँ पे जालियों नाले पे जालियां लगाने का काम किया, और आज माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो नाले पे मकान बने हुए हैं उनको पक्के मकान दिए जाएं, और नाले का भी 1 करोड़ रुपये का लगभग का सेंक्शन माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पे हो चुका है, जो जल्द ही डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पर क्षेत्र की जनता को जान माल को खतरा न हो ऐसा विकास दिखाई देगा। ओडिशा कोस्ट पर बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के सागर से होकर गुजरने से प्रदेश के अनेक स्थानों पर बरसात का दौर जारी है। इसी क्रम में भोपाल में झमाझम बरसात हुई। शहर में करीब आधे घंटे में 4 सेंटीमीटर पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में अनेक स्थानों पर रुक रुक कर बौछारे पड़ने का सिलसिला अभी जारी रहने की संभावना है। इसी क्रम में अगले 24 घंटे में जबलपुर भोपाल इंदौर होशंगाबाद संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक उदय सरवटे ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट के उत्तरी भाग पर अभी भी बना हुआ है, साथ ही इस सिस्टम के ऊपर एक चक्रवाती हवा का घेरा भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश ने कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गाडरवाला में तेज बारिश की वजह से तालाब फूट गया, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की अनदेखी से रहवासी परेशान हो रहे हैं। गाडरवारा में हो रही तेज बारिश के कारण तालाब फूटने से गांव में पानी घुस गया है, जिससे रहमा गांव सहित आसपास के गांवों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में बारिश सहित तालाब का पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ के किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन ने से अभी तक किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल सकी है। बेघर हुए सारी चौका के रहमा गांव एवं आसपास के ग्रामीणों की आंखें अब प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है, जिसके चलते उन्हें SDM कार्यालय आना पड़ा है। दादाजी भैया जी, हमारी गल्लो पानी कुछ नहीं बचा है, सब बह गया, घूरन पर पड़ा है, सड़ गया। बाढ़ आई है, ऐसी होते है, अभी हमारी उम्र में नहीं देखी इतनी बाढ़ आई है। सुबह सुबह की बात है सर, सुबह 5:45 के लगभग सर हम लोग सो रहे थे, जैसे हमारी नींद खुली तो देखा हमने कि घर के बाहर पानी है। तो पानी है तो हमने कहा चलो बच्चों से जल्दी जगो, पानी आ गया इधर। तो हम लोगों ने अपने कपड़े उठाए, एक एक जोड़ी जितने भी, पानी तेज बारिश तेज हो रही थी साहब, तो हम लोगों ने कपड़े निकाले वो घर से, बस वो लेके हम एक एक जोड़ी निकले हैं बाहर, और उसके बाद पूरा अंदर पानी हो गया। अब काबरा जा फूट गया तला पूरा गया, तो हम कुछ नहीं हेर पाए। हमारी 5 बोरा पीसी रखी थी वह बह गया, 5 लाख रुपया रखे थे बह गया, हम जो कुछ नहीं बचा, हम जैसा जैसा खड़े हैं। रहमा गांव के बाढ़ पीड़ितों ने SDM कार्यालय पहुंचकर SDM राजेश शाह के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के कारण उनके घर दुकान खेत खलियान सब पानी में बर्बाद हो गए हैं। अब ना तो रहने को घर है और ना खाने को साधन। प्रशासन हर संभव मदद की बात कह रहा है, पर अब भी
ग्रामीणों को मदद ना मिल पाना सिस्टम पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। हमने ये रिपोर्ट बना करके कलेक्टर महोदय को भेज दी है और जो शासन द्वारा RBC 64 के तहत जो सहायता राशि दी जा सकती है वो हमारा स्वीकृत होकर प्रकरण उनके खाते में डालने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। रीवा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एडमिशन को लेकर चल रही अनियमितताओं के चलते छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडमिशन ना मिलने से नाराज छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रवेश न मिलने पर छात्राओं ने सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। रीवा के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एडमिशन न मिलने से नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। एडमिशन को लेकर छात्रों और प्रशासन के बीच स्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मॉडल साइंस कॉलेज के बाद GDC की छात्राएं भी सरकार और कॉलेज प्रबंधन के विरोध में खुलकर सामने आ चुकी हैं। बीते दिन पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत किए गए एडमिशन के बाद जिन छात्राओं को प्रवेश का मौका नहीं मिला उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कॉलेज प्रबंधन तथा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जानबूझकर हमारा एडमिशन नहीं किया जा रहा है। शिकायत करते हुए अधिकारियों के सामने छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। छात्राओं के अनुसार अब कॉलेज में सीट फुल होने का बहाना भी किया जा रहा है। प्रशासन को चेतावनी देते हुए नाराज छात्राओं ने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा हमारे भविष्य की चिंता के लिए कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो हम सामूहिक आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। जैसे परेशान हो रहे हैं एडमिशन के लिए GDC कॉलेज में, हम लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, उसके लिए हम लोग को मॉडल साइंस भेजा गया, हम लोग वहाँ गए, TRS भेजा गया, हम लोग वहाँ गए, हर जगह अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के लिए गए। जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं तो हम लोग एडमिशन को गए तो कल था कि कूपन बट रहा था, उसमें फर्जी काफ़ी कूपन ऐसे थे जो फर्जी कूपन बांटे गए, लेकिन हम लोगों को इसका नॉलेज नहीं था कि यहाँ फर्जी भी बांटे जा रहे हैं। जैसे हम लोग का एंट्री होने का टाइम आया, जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो कॉलेज में क्या बोला जाता है कि ये तुम लोगों का फर्जी है और सीटें फुल हो चुकी है, अब कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। ये पुलिस लोग क्या बोल रहे हैं कि मर जाओगे तब भी तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। ये गर्ल्स कॉलेज की सभी छात्राएं हैं, प्रवेश चाहती हैं, महाविद्यालय में प्रवेश चाहती हैं और पिछले कई दिनों से ये रात रात लाइन लग के, यहाँ तक कि इनके भाई इनके परिवार के लोग जो है रात में लेके आते थे और वहाँ पे लाइन लगते थे, इसके बाद भी महाविद्यालय में प्रवेश इनको नहीं मिला है। ये लगभग 700 से 800 ऐसी छात्राएं हैं जो अभी भी भटक रही हैं और उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ा सके क्योंकि स्कॉलरशिप वहाँ पर नहीं मिलती है और ये लगातार अगर पास हुई है तो इनको पढ़ने का अधिकार है और जिला प्रशासन और जो प्रदेश की सरकार है इनको पढ़ाए और तत्काल इनको महाविद्यालय में प्रवेश दे। कलेक्टर रीवा का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति पर कार्य किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्यों से बात की जा रही है कि कहां परेशानी आ रही है। कलेक्टर ने कहा कि शासन के पास कुछ सीटें बढ़ाने का प्रावधान है, प्रयास किया जाएगा कि बच्चों को एडमिशन मिले। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति थी, इसमें 2-3 दिन से रीवा में काफ़ी परेशानी हो रही है, पुलिस को लगाना पड़ा है। लेकिन जब मैंने भोपाल में बात की है तो भोपाल से मुझे ये कहा गया कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी इस नीति में कोई परेशानी नहीं आई है रीवा को छोड़ के। तो रीवा में क्या कारण है कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए, इतनी भीड़ हुई, तो हमने चारों कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया है, भोपाल बात की है कि इन्होंने सीटों का जो कैलकुलेशन किया है वो एक बार फिर से करें और कुछ पावर सरकार के पास है कुछ सीट बढ़ाने के 2-5%, वो भी मेरी बात है। अभी हमने प्रिंसिपल से बैठक कर रहे हैं, कितनी सीटें हम मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं उतनी सीटें हम बढ़वाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कर्मियों से मिली भगत के चलते आए दिन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक प्राइवेट एम्बुलेंस ने सस्ते अस्पताल का झांसा देकर मरीज को जीवनश्री अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल के स्टाफ ने मरीज को बिना जाँच पड़ताल किए वेंटिलेटर पर रख दिया और परिजनों से करीब 50,000 रुपए जमा करा लिए। मरीज की हालत और बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। ग्वालियर के जीवनश्री हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कर्मियों से गठजोड़ के चलते एक बार फिर एक मरीज की हालत बिगड़ गई। 2 दिन पहले ही इस अस्पताल में CMHO द्वारा कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस धौलपुर से मरीज बनवारी लाल एवं उसके परिजनों को सस्ते अस्पताल का झांसा देकर जीवनश्री अस्पताल छोड़कर चली गई, लेकिन अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने रात में मरीज को बिना जांच पड़ताल के वेंटिलेटर पर रख दिया और परिजनों को डरा कर करीब 50,000 रुपये जमा करा लिए। मरीज के बेबस परिजनों ने झूठे दिलासे देकर अस्पताल प्रबंधन अपना बिल बढ़ाता रहा, लेकिन सुबह होते होते मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया।
दिन भर हंगामे के बाद रात को 9 बजे मरीज के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को JH हॉस्पिटल रेफर कर दिया। मैंने अपने मरीज को कल यहाँ पे 1:30 बजे भर्ती किया था, जो कि इन्होंने डॉक्टर को बुला करके 4:30 बजे उनको दिखाया था। डॉक्टर ने ये कही थी कि हाँ हम इनको सही कर सकते हैं। कल के देखने के बाद में आज कोई भी डॉक्टर सुबह से लेकर के शाम तक नहीं आया। धौलपुर से आए हुए प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा आए, 1500 रुपए लिए थे समय नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने मरीज को कहीं भी ले जा सकते हैं, हमारे बस से बाहर है। जीवनशी हॉस्पिटल में आए दिन मरीजों की जान से खिलवाड़ होना आम बात हो गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा अस्पताल पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। यही कारण है कि 2 दिन पहले हुई इस कार्यवाही के बाद भी एम्बुलेंस और हॉस्पिटल में दलाली का खेल अब भी जारी है। एक महिला ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से की तो पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब पीड़ित महिला इंसाफ पाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है। ये मामला छतरपुर का है। छतरपुर में पति द्वारा महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। मामला सिटी कोतवाली के वार्ड नंबर 6 का है। यहाँ रहने वाले फरीद राइन ने अपनी पत्नी असगरी बानो के साथ मारपीट की। असगरी ने जब इस घटना की शिकायत पुलिस से की तो फरीद ने उसे 3 तलाक दे दिया। असगरी का आरोप है कि उसे दहेज के लिए पति और परिजनों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। वह 6 साल से ये सब सह रही है। हमें परेशानी, हमें हमारी ससुराल वाले हमें रखते नहीं है। 6 साल हो गया है हमें शादी को, हम घर पे जाते हैं। अभी हम 30 तारीख को गए तो उन लोगों ने, हमारे सब लोग ने, सास ससुर ने, देवर ने और देवरानी ने मारपीट की और फरीद ने भी मारपीट की। 3 बार कहा आपकी 3 लाख हम दे चुके हैं, आपको 3 बार बोल रहे हैं 3 लाख 3 लाख 3 लाख, अब यहाँ आना नहीं घर पे। तो हमने वहाँ कंप्लेन की सिटी कोतवाली में, तो इन लोगों ने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, फरीद के नाम लिखी गई है। असगरी अपने 4 साल के मासूम बच्चे को लेकर न्याय की गुहार लगाने अधिकारियों के चक्कर काट रही है। मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी पति फरीद पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन 3 तलाक के मामले में पुलिस जांच की बात कहकर मामले को टाल रही है। अभी फरियादिया मेरे समक्ष आवेदन लेकर उपस्थित हुई थी। आवेदन का मैंने अवलोकन किया और उनसे पूछताछ भी किया, जिस पर यह ज्ञात हुआ कि लगभग 5-6 साल से फरियादी अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन उसने प्रताड़ना की जो बात बताई थी उस पर से थाना कोतवाली में प्रताड़ना से संबंधित 498 का प्रकरण दर्ज हो गया है। अब बात आज के वीडियो वायरल की। आपने पहाड़े तो कई बार सुने होंगे, लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के पहाड़े के बारे में। इस पहाड़े में MP के सभी प्रमुख शहरों के नाम हैं और एक छोटा छात्र GK का यह पहाड़ा पूरी क्लास को सिखा रहा है। ये है मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल की क्लास। यहाँ बच्चों का GK बढ़ाने के लिए उन्हें प्रदेश भर के शहरों के नाम याद करवाने थे। इसके लिए सबसे पहले इस होनहार छात्र को शहरों के नाम वाला पहाड़ा सिखाया गया और उसके बाद ये बच्चा बाकी बच्चों को ये पहाड़ा याद करवा रहा है। छोटे मास्टर का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, आप भी इसका मजा लीजिए। आपने भी पहाड़े तो कई याद किए होंगे, लेकिन इस पहाड़े का कोई जवाब नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ, मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्लन भाई, भोपाल तो शिमला हो रही है, लद्दाख हो रही है, ये सब लगातार झमाझम पानी चल रहा है, मजा आ रही है बता रहे हूँ। पूरे ताल तलैया ला वाला सबके गेट खुल गए। मैंने सोचा कि कल चलो मैं गेट देखने जाऊँ कैसे खुलते हैं। मैं गया तो मेरे घर का गेट बंद था, निकल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने घर का गेट खोला, हम गणेश जी को लेने जाना था, मैं गणेश जी की स्थापना करनी थी, फिर लेके आया मैं। गणेश जी ने रास्ते में मेरे से बातचीत करी बहुत, हाँ उनको स्कूले लग रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे सड़कों पे। मैंने कहा चिंता मत करो गणेश जी, अभी क्या नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सबको देख लेंगे हम, सब सुधरवा लेंगे। वो मैं बता रही हूँ, असली लोकतंत्र कांग्रेस में गुटबाजी खुल के चलती है, बता रहा हूँ, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उमंग सिंघा जो मंत्री है उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। हमें बता रहा, चिट्ठियाँ लिखने का जमाना है कि आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, ये कहाँ पुरानी चीज़ें चिट्ठियाँ विट्ठियाँ। और दूसरा उस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है,
रिमोट कंट्रोल हमारी सोनिया जी चलाती थी, हमने भी रिमोट चला दिया, इसमें कौन सी नई बात है। तो ये खबर ये देखो, चंद्रमा पे है जो चंद्रयान 2 हमने भेजा है, उसका अब ये लैंडर है ना अलग हो गया है, कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, बहुत पास पहुंच गया चंद्रमा के। तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो कक्षा से बाहर ही निकल जाते हैं, हर बार कोई भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, इस पर कांग्रेसी नेताओं कह रहा है कि हमें इसरो से हेल्प लेंगे जरूर, वहाँ से कुछ नया नियम लाएंगे ताकि है ना इनके ट्वीट सही जगह पे जाएं। हाँ, भैया खबर ये देख लो, चिदम्बरम जी अभी जेल तिहाड़ जाते जाते बच गए। बता रहे हूँ ये नेता लोग ये जो अपनी है जो घोटाले वोटाले करते रहते हैं, आखिर में इनको अंत समय में जेल में जाना ही पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ जेलों को 5 स्टार बनाओ, बेहतरीन सुविधाएं करो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, जब आखिरी टाइम वही निकालना है। ये खबर ये देखो मजेदार, रीवा की जो लता टंडन जी है 72 घंटे लगातार खाना बनाएंगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है गिनीज बुक में। ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन के नाम पे था। और मैं बता रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे कि भैया भैया हम तो अब यहाँ रीवा में शादी करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती है। अब देखो ऐसे तो बात ही ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं लोग। और ये खबर ये देखो, बेंगलोर में एक आर्टिस्ट है वो अंतरिक्ष यात्री बन के है ना सड़कों पर उतरे, वहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कें थी, गड्ढे थे उनमें, अब वो मैसेज देना चाह रहे थे वहाँ की सरकार को कि भैया इनका ठीक करो, ये कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और ये खबर देखो, पीएम साहब की जो चाय की दुकान है वडनगर में, जहाँ से उन्होंने चाय की दुकान चाय बेचते थे पहले, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी हैं वडनगर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पीएम साहब की जो दुकान देखी चाय बना, जहाँ चाय बनाते थे चाय बेचते थे, उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ पकौड़े वकौड़े ही डाल लूं दुकान, कहीं हाँ भविष्य में पीएमईएम बन गया तो। हाँ, ये खबर ये देख लो कि ट्रैफिक नियमों में बड़ा है ना बदलाव हो गया है, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए हैं। हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 रुपये, शराब पी किया वो 10000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलो 5000 रुपये। और मैं बता रही हूँ ये नौबत क्यों आती है, एक अच्छे नागरिक बनो ना, हेलमेट खरीद लो 1000 रुपये में तो बढ़िया हेलमेट आ जाएगा, हैं वो पहन के अपनी भी जान बचाओ दूसरों की भी बचाओ। ये कट मार के निकलती हैं ऐसे, कहीं ओवरटेक करेंगे लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखेंगे, एक अच्छे नागरिक बनाओ यार, जरूरत ही नहीं पड़े जुर्माना उर्माने की। हाँ, वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, अब मुझे पता है क्यों कर दिया है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कहाँ से इतना लोग पैसे देंगे बताओ, मंदी चल रही है, ये तो चल रहा है। और मैं तो चला भैया, मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करा लूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।